जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल में और श्रीमद् भगवत गीता पर जैसी की चर्चा चल रही है आपको विदित है, तो आइए उसी पर हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछली चर्चा में हमने सुना कि जिस प्रकार से कर्म है, यज्ञ आदि कर्म है, वो अज्ञानियों को, जो सांख्य योगी नहीं है, जो आत्मस्थित नहीं है, जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, उन्हें करना चाहिए। और फिर जो है, जो ज्ञानवान है, जो महापुरुष हैं, जो सिद्ध हैं, जो योगी हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, ऐसे योगी, ऐसे महापुरुष वो भी उन कर्मों को करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो भी उसको, उनका अनुकरण करते हुए करता रहे, क्योंकि वो उनका अनुसरण करते हैं। और इसको समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने राजा जनक और स्वयं का उदाहरण लिया। अब जो है ये हो गया, अब फर्क है। अब एक प्रश्न यहां उत्पन्न होता है कि चलिए, ज्ञानवान भी कर्म कर रहा है और जो अज्ञानी है वो भी कर्म कर रहा है, वो भी यज्ञ आदि कर्मों को कर रहा है, और ज्ञानी पुरुष भी यज्ञ आदि कर्मों को कर रहा है, तो कर्म के आधार पर ज्ञानी अज्ञानी का भेद कैसे होगा? तो उसी को समझाने के लिए श्री कृष्ण आगे 25वें से तीसरा अध्याय कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय में, 24वें सूत्र तक हमने सुना था, 25वें सूत्र से, 25वें श्लोक से 35वें श्लोक के बीच जो है इस विषय पर वो स्पष्टीकरण देते हैं कि कर्म के आधार पर। पहले तो एक ज्ञानी अज्ञानी की चर्चा हुई थी, जो स्थित प्रज्ञ है वो ज्ञानी है, जो स्थित प्रज्ञ नहीं वो ज्ञानवान नहीं है। अर्जुन से भी कृष्ण ने एक तरह से यही कहा कि तू स्थित प्रज्ञ नहीं है, इसलिए तू ज्ञानी नहीं है, तेरे लिए कर्म योग ज्यादा उचित है, तू कर्म योग की जो बात बताई जा रही है उसका अनुसरण कर, ये कृष्ण कहते हैं। लेकिन अब एक कर्म जब दोनों एक ही तरह का कर रहे हैं तो कौन ज्ञानवान और कौन अज्ञानी, इस विषय पर चर्चा होती है कर्म का आधार लेकर, ज्ञानी अज्ञानी की चर्चा। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण 25वें श्लोक में तीसरा अध्याय, सुक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्वि द्वांस तथा सक्तस चिकीर्षुलोक संग्रहम। अर्थात हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, कर्म में आसक्ति होती है अज्ञानियों की, अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्ति रहित, बिना आसक्ति वाला जो ज्ञानी व्यक्ति है वह भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ ही कर्म करता है। न बुद्धि भेदम जन येद ज्ञानानाम कर्म संगी नाम जोश येत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरणा। अर्थात जो गुरु रूप ईश्वर है, गुरु रूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में, अर्थात जो परम पुरुष है, जो सिद्ध है, उसे क्या चाहिए कि वह योग में स्थित होकर, योग में स्थित होकर ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। अर्थात ज्ञानी जन को चाहिए कि वो जो शास्त्र युक्त कर्म है वो भी जानबूझकर करे, ताकि अज्ञानी भी उसका अनुकरण करे और वो उनसे करवाए। वो योग स्थित है, प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमेति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी कहता है कि मैं ही करता हूं। ज्ञानी और अज्ञानी का भेद क्या है? कर्म तो वही कर रहे हैं और कर्म प्रकृति के गुण है, प्रकृति विवश करती है कि तुम कर्म करो, तुम लोभ लालच में करो, या फिर यज्ञ आदि कर्मों को करने के पीछे भी लोभ होता है, देवताओं से प्राप्त होने वाली वृष्टि का लोभ मनुष्य को रहता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी कर्म और अज्ञानी कर्म दोनों में यह भेद है।
अज्ञानी कर्म उस लोभ के वशीभूत और कर्तापन के वशीभूत होता है, जबकि एक ज्ञानी का कर्म जो है, जो अज्ञानी का कर्म है वो कर्तापन के वशीभूत, और जो ज्ञानी पुरुष है वो उनके अंदर कर्तापन का भाव नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो ज्ञानी है, वो तत्व ज्ञानी है, इसकी आगे चर्चा हो रही है। इसलिए वह तत्वों को जानते हैं, तत्वों का ज्ञान उन्हें होने के कारण उनमें आसक्ति नहीं पैदा होती है, उन्हें संसार के विषयों से आसक्ति नहीं, अनासक्त भाव से मात्र लोक कल्याण और लोक को उपदेश देने हेतु ही वो कर्म करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म भागयो गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वाना सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व हैं को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। अब सांख्य का विषय है, सांख्य के अंदर अभी गुण क्या है, प्रकृति के तीन गुणों की व्याख्या कौन सा शास्त्र करता है, तो सांख्य शास्त्र ही प्रकृति के तीन गुणों की व्याख्या करता है। तो इस गुण रूप गुण विभाग क्या है, मन बुद्धि अहंकार तथा पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और पंच भूत जो है, इन सब का जो समुदाय है वह गुण विभाग कहा गया है, और इनकी परंपरा की चेष्टाओं का जो नाम है वो कर्म विभाग है। इनकी परंपरा, इनमें जो भेद उत्पन्न होते हैं, जो विषमताएं आती हैं, उससे कर्म की उत्पत्ति होती है, ये तो पहले ही बताया गया है। अगर आप पीछे के व्याख्यान में जाएंगे तो इसका इसको व्याख्या की गई है, तो कर्म की उत्पत्ति इससे हो जाया करती है। तो जो प्राणी, जो योगी इन सब तत्वों को जानता हुआ वो यह समझता है कि यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा स्वतः ही जीव को करना पड़ता है, लेकिन अहंकार वश जीव के मन में ये आ जाता है कि वो करने वाला है, वो करता है, और यह करता ही अज्ञानपन का भाव होना ही अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण है। लेकिन ज्ञानी मनुष्य जब इसी बात को, इसी उन्हीं कर्मों को करता है, तो उस कर्तापन के भाव से मुक्त होकर करता है। अगले श्लोक में क्या कहते हैं, 29वें श्लोक में, प्रकृति गुण समुढ़ा सज्जते सजन्ते गुण कर्मसु तान कृतश्न विदो मंदान कृतश्न विन्न विचालयते विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुआ मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। अर्थात जानने वाले ज्ञानी ये ना कहें कि हमें तो कर्म से प्रयोजन नहीं है तो हम कर्म नहीं करेंगे, नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा लोक कल्याण के लिए, ताकि आप एक कर्म का उदाहरण प्रस्तुत करें और उनको भी प्रेरणा दे, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वो वैसा कर्म करेंगे तो वो भी ज्ञानवान हो जाएंगे। जैसे राजा जनक के बारे में बताया गया कि कर्म अनुष्ठानों से, शास्त्र युक्त कर्म अनुष्ठानों से, शास्त्र सम्मत कर्म अनुष्ठानों से वो ज्ञानवान हो गए, वो सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। वैसे ही मई सर्वाणी कर्माणी संध्यात्म चेतसा निराश्र निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अर्थात मुझे, मेरे लिए लगे हुए उस योग में, अपने चित्त को लगाए हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, मुझे अपना गुरु स्वरूप समझकर, मुझे इष्ट मानकर, ये यहां पर कहा जा रहा है, मुझे इष्ट समझते हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये अर्जुन के लिए विशेष रूप से श्री कृष्ण कह रहे हैं, तू चिंता मत कर, तू अपने चित्त को मुझ में लगा, तू ये मानकर चल कि यह जो युद्ध हो रहा है ये तेरा युद्ध नहीं है, ये मेरा युद्ध है, और मैं यह युद्ध क्यों चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति का राज आए, ऐसे व्यक्ति जो है वो राजा बनकर बैठे जो किसी स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास करे, इससे अधर्म की स्थापना होती है, इससे व्यभिचार का प्रचलन होता है, व्यभिचार का विस्तार होता है। इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करना आवश्यक है और ऐसे लोगों को आसीन होना जरूरी है जो धर्म परायण हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर, मेरे लिए तू युद्ध कर, मुझ में युक्त हो जा, मुझ पर, मेरे प्रति तेरा संपूर्ण ध्यान लगा और तू अनासक्त भाव से कर्म कर, युद्ध कर।
ये मे मत्मिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसुयन्तो मुचयन्ते ते अपि कर्मभि। जो कोई मनुष्य दोस्त दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, अर्थात वह कामासक्त नहीं होते और अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, वो धीरे धीरे सभी कर्म बंधन से छूट जाया करते हैं और मेरे इस मत का मुझमें बिना गुण दोष देखे अनुसरण करते हैं। ये त्वेत दभ्य सुयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढांस तान विधि नष्ट नचेते न चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझमें दोषारोपण करते हुए, मेरा दोष देखते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए हो समझ। जो मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते और उल्टा मुझमें दोष निकालते हैं, तो ऐसे लोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों में भी कौन है? दुर्योधन आदि का जो पक्ष है, जो कौरवों का जो पक्ष है, जिनके समक्ष श्री कृष्ण जो है शांति दूत बनकर गए और उन्हें भी तत्व ज्ञान की बातें समझाने की कोशिश की, उन्हें भी समझाने का प्रयास किया कि तुम युद्ध मत करो, शांति से काम लो और पांडवों को उनका अधिकार दे दो, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो कृष्ण उनकी ओर भी इशारा यहां पर कर रहे हैं, ये इशारा उनकी ओर है कि जो मेरे अंदर दोष देखते हैं और मेरी ये जो बताई हुई बात है उसको नहीं मानते हैं, तो उनके उन मूर्खों के लिए तो विनाश ही निश्चित है, वो नष्ट ही उनको होना है। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर् ज्ञानवानपि प्रकृतिम् यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञान व्यान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? किसी का हट क्या करेगा? प्रकृति के वशीभूत प्रकृति तो कर्मपरायण आपको रखेगी। अगर आप ज्ञान व्यान भी हैं तो प्रकृति आपको कर्मपरायण बनाकर रखेगी। तो इससे बेहतर है कि तुम ज्ञान युक्त कर्म करो, शास्त्र युक्त कर्म करो। कर्म तो तुम्हें करना ही है, बचोगे तो तुम है नहीं, इसलिए संकल्पवान बनो। इस कर्म करने में वैसे कोई स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि सब कुछ प्रकृति के वश है, फिर भी प्रकृति के, जैसे कि मैंने पीछे एक उदाहरण दिया कि जेल में एक कैदी है, वो बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन जेल के अंदर थोड़ी सी स्वतंत्रता है जिसमें कि वो संकल्प लेकर कुछ कार्य कर सकता है। तो वैसे ही जीव को भी, मनुष्य को भी कम से कम इन कर्मों में, कर्मों से मुक्ति की तो स्वतंत्रता नहीं है, वो कर्मों से मुक्त तो नहीं हो सकता, कर्म तो उसे करने ही है, लेकिन जब प्रकृति के वश कर्म करने ही है तो उसमें भी उसके पास प्रकृति का चुनाव है। वो श्रेष्ठ कर्मों को करे, वो संकल्पवान बनकर कर्मों का अनुष्ठान करे। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छे तौ हास्य परिपंथिनौ। अर्थात इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए हैं, स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो दोनों ही इस कल्याण मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले शत्रु हैं, क्योंकि राग नहीं होना चाहिए। इंद्रियों के क्षेत्र में राग द्वेष छुपे हुए हैं और जब हम कर्म करते हैं तो उन राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, तो व्यक्ति को उस राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, उससे बचकर कर्म करना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब यहां पर ये बात समझने वाले की ये बात, अब पर धर्म और स्वधर्म की बात यहां पर कहां से टपक गई? अब इसकी व्याख्या तो भाई सीधा तौर से लोग कह देंगे कि भाई दूसरे का धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, हमें अपने धर्म का पालन। तो अब यहां पर इस चर्चा को देखिए कि पीछे चर्चा क्या हो रही है, उस चर्चा की दृष्टि से इसको इस लोक का अर्थ समझिए। यह ना कि अपने मनगढ़ंत वाणी को थोप दिए कि स्वधर्म की महत्व की है, मतलब हम हिंदू धर्म में हैं, तो यहां पर उस तरह की चर्चा नहीं की जा रही। यहां पर धर्म मतलब प्रकृति का धर्म,
ठीक ना, हम प्रकृति के वशीभूत, परवश होकर, इंद्रियों के वशीभूत होकर, राग द्वेष के वशीभूत होकर, वो पर धर्म है। और वैसे भी अगर हम इसे स्थूल जगत में पर धर्म, या फिर अगर आजकल लोग जैसा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह से लोग दृष्टि रखते हैं, तो उसमें भी तुम अपने आप के धर्म को पहचान लो कि क्या है तुम्हारा धर्म। तुम्हारे आत्मा में स्थित होना तुम्हारा धर्म है, आत्मस्थित होना, स्वरूप की उपलब्धि करना, जिसे पतंजलि महर्षि ने लिखा तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, उस स्वरूप की उपलब्धि करना। तुम इधर उधर भागोगे, तुम्हें कभी वो अच्छा लगेगा, कभी वो अच्छा लगेगा, कभी वो सही लगेगा और वो गलत लगेगा, तो इसमें तुम भ्रमित रहोगे। इसलिए स्थित प्रज्ञता की प्राप्ति करो। स्थित प्रज्ञ होने वाला व्यक्ति ही स्वधर्मी है, और जो अभी इंद्रियों के धर्म में लिप्त हो गया है, परवश है, प्रकृति के वश है, वो अपना सनातन धर्म छोड़कर कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर फंसेगा। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम स्वस्थित हो जाओ और वही तुम्हारा स्वधर्म है। राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों की जो परवशता है उससे मुक्त होना जरूरी है, तभी जाकर स्वधर्म की स्थापना अपने भीतर होगी। तो हम अपने भीतर स्वधर्म की स्थापना करें तो वह स्वधर्म ही सनातन धर्म है। उसको छोड़कर किसी अन्य लाभ लोभ लालच में किसी अन्य धर्म का पालन अनुचित है, और किसी काल्पनिक का तो बिल्कुल अनुचित है जो कल्पनाओं के और मान्यताओं पर आधारित हो। इसलिए श्री कृष्ण जो है इस प्रकार की चर्चा यहां पर करते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात स्वनिष्ठात स्वधर्म में निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अर्थात स्वधर्म में निधन, स्वयं में स्थित होकर, आत्म स्थित होकर, स्थित प्रज्ञ होकर निधन हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो वह श्रेयस्कर है। और इंद्रियों के वशीभूत, प्रकृति के वशीभूत, प्रकृति के विकारों के वशीभूत अगर मृत्यु हो जाती है तो वह भयावह है, वह नरकगामी मृत्यु है, नरकों में ले जाने वाली मृत्यु है। तो इसलिए हमें इस पर विचार करना है। तो 35वें सूत्र तक भगवान कृष्ण ज्ञानी के कर्म करने और अज्ञानी के कर्म करने में फर्क बता रहे हैं। जो अज्ञानी है वो पर धर्म के वशीभूत कर्म करता है, अर्थात इंद्रिय और प्रकृति के वशीभूत, विकारों के वशीभूत कर्म करता है, कर्तापन के भाव से कर्म करता है, क्योंकि प्रकृति जो कर्म उसे करवा रही है वो स्वयं में अहंकार के कारण, मानने के कारण उसे ये समझता है कि मैं ही करता हूं, जबकि प्रकृति सबको विवश करती है कर्म करने के लिए। तो ऐसी भावना से, ऐसी विश्वास से जो मुक्त हो गया है और वो देख लेता है कि बुद्धि इंद्रियों के अंदर मन का संक्रमण है, मन इंद्रियां मन को धारण करती हैं, मन बुद्धि को धारण करता है, और बुद्धि से, मन इंद्रियों बुद्धि से परे जो आत्म तत्व है, जो परम पुरुष है, जो पुरुष तत्व है, वो इन बुद्धि मन इंद्रियों से दृष्टा है। आखिर में सब कुछ करने वाला तो वही है, तो हम कर्ता नहीं हो सकते हैं। ऐसी भावना लाने वाले और संपूर्ण कर्ता का भाव उस प्रकृति को सौंपने वाले जो योगी जन है वो तत्वों को जानते हैं, वो इन सांख्य के 24 तत्वों और उस पुरुष तत्व को विशेष रूप से जब जान लेते हैं तो वो तत्वज्ञानी हैं, और इनकी गति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए इन तत्वों को जानने वाले, इसलिए सांख्य तत्व ज्ञान का विषय है, और श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य ही मुख्य आधार है, सांख्य ही मुख्य आधार है। तो इस आधार को लेकर ज्ञानी की परिभाषा भी भगवान कृष्ण दे रहे हैं और स्वधर्म और परधर्म को भी बता रहे हैं। तो ये हमें समझ लेना है। तो 35वें श्लोक तक ये चर्चा चलती है, और अगले, अब जो 35वें श्लोक से जो आगे का जो विषय है वो काम के निरोध का विषय है, कि कामासक्त व्यक्ति के जीवन में जो अज्ञानी है, अज्ञानी के बारे में चर्चा है, तो वो कामासक्त तो रहता ही है, लेकिन अगर उसका निरोध ना करे तो हानि होती है। निरोध कैसे होना चाहिए तो उसकी चर्चा आगे के विषयों में लगभग की जा रही है। तो आगे 35वें श्लोक तक हमने देखा, 36वें से 43वें श्लोक तक अगले व्याख्यान में हम श्रवण करते हैं। धन्यवाद।